आपका HT न्यूज बनेगा आपकी आवाज। पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको रूबरू। नहीं होने देंगे किसी पे भी अत्याचार। हम हैं आपके साथ और देखते रहिए HT। नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूँ हंगामा टाइम्स न्यूज में। और देश दुनिया की बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वक्त की राजधानी की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। पूरे परिचय के साथ बताइएगा सर, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं जगदीश, पूर्व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश। इस समय हम कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं और कांग्रेस में हम जन व्यथा निवारण समिति उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदस्य हैं और ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। 26 जनवरी कि हम अपने देशवासियों को ढेर सारी बधाई देते हैं। 26 जनवरी वह दिन है, वह तारीख है जिस तारीख को भारत का संविधान लागू किया गया। भारत का संविधान इस मंशा से बनाया गया कि लोकतंत्र की यह परिकल्पना है या यह अवधारणा है कि लोकतंत्र में सरकार जनता की, जनता के लिए, जनता द्वारा होती है। इस अवधारणा को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हमारे संविधान को अंगीकृत, आत्मसमर्पित और अधिनियमित किया गया। वर्तमान समय में कुछ संवैधानिक मूल्यों का ह्रास किया जा रहा है सरकारी तंत्र द्वारा, या ये कहिए कि उनके सहयोग से कुछ अवांछनीय तत्वों द्वारा। अब संविधान की मूल अवधारणा है मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। मौलिक अधिकार वह अधिकार है जिसके बिना कोई व्यक्ति सफल जीवन नहीं व्यतीत कर सकता है, जिसमें एक अधिकार यह दिया गया है जिसमें अभिवाक की स्वतंत्रता दी गई है, भाषण की स्वतंत्रता दी गई है, जो भारतीय अनुच्छेद के 19(1) में वर्णित है। आज हम देख रहे हैं कि आए दिन, प्रत्येक दिन धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता का प्रयोग सरकार या सरकारें कर रही हैं। तब ऐसी स्थिति में इस मौलिक अधिकार की रक्षा कैसे होगी, यह विचारणीय प्रश्न है। क्योंकि लोकतंत्र का आप कहिए आभूषण विरोध पर टिका रहता है, समालोचना पर टिका रहता है। सरकार की जब हम समालोचना नहीं कर पाएंगे, सरकार का हम विरोध नहीं कर पाएंगे, तो किस बात का लोकतंत्र? यह धारा 144 लगा करके आप हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं, देश की जनता की बात को नहीं सुन रहे हैं। हम कह रहे हैं देश की जनता गलत बात कह रही है, आप अपना प्रतिनिधि भेजिए, उसकी बात सुनिए, उसको समझा दीजिए कि नहीं आप गलत हैं, हम सही हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, इस देश को कोई आपत्ति नहीं है। जैसे वर्तमान समय में CAA लाया गया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम, हमारे भारतीय संविधान में इसकी व्यवस्था पहले से है। धारा 5 से लेकर धारा 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि किसको नागरिकता दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, कैसे प्राप्त करेगा नागरिकता। फिर इस अधिनियम को लाने की, इस संशोधन अधिनियम को लाने की क्या आवश्यकता थी, ये सरकार स्पष्ट नहीं कर रही है। इसको स्पष्ट करना चाहिए जनता के बीच में
कि जब एक कानून रहते हुए दूसरे कानून को हम क्यों ला रहे हैं। सरकार जनाक्रोश को देखते हुए 144 तो लगा रही है, सरकार को चाहिए कि वह जनता को समझावे, जनता के बीच में जाए। यदि जनता प्रोटेस्ट कर रही है तो उसके प्रत्यावेदन को ले, उसके बात को सुने, उसके बात को समझे। अब भारत में दिल्ली जहां की भारत देश की राजधानी है, वहां कुछ अवांछनीय लोग तत्वों द्वारा संविधान को फाड़ा गया, संविधान को जलाया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है हमारे देश के लिए, हम लोगों के लिए, कि एक लोकतंत्र का सबसे बड़ा दस्तावेज, सबसे पवित्र दस्तावेज, जिस पर हमारा देश चलता है, जिस पर हमारे यहाँ के लोगों की का भविष्य निर्भर है, उसी दस्तावेज को वहाँ जलाया जा रहा है। यह और सरकार को क्या बताएं, सरकार मूक दर्शक बनी है। ऐसे लोगों को राजद्रोह का मुकदमा कायम करके उनको जेल में रख देना चाहिए। लेकिन यहाँ राजद्रोह का मुकदमा तो हम देख रहे हैं उस पर चल रहा है जो 144 तोड़ रहा है। अरे 144 क्यों तोड़ रहा है? आप रोज 144 लगाए रहेंगे तो कोई व्यक्ति अपनी बात कैसे कहेगा? किसी ने कुछ ढील दीजिए, 144 लगाइए, कुछ ढील भी दीजिए। वो अभी अमित शाह जी आए थे, 144 तब भी लगा था, लेकिन अमित शाह जी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और लोगों पर कार्रवाई हो जा रही है। ये दोहरा मापदंड लोकतंत्र में हमारे समझ से अच्छा नहीं है। लोकतंत्र, एक बढ़िया लोकतंत्र के लिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सभी को अपनी आवाज कहने का अधिकार है। सभी लोग अपनी बात को कहें। हाँ, अगर कोई उपद्रव करता है, कोई सरकारी संपत्ति की क्षति करता है, हिंसा पर उतारू है, तो ऐसे लोगों को हम नहीं प्रोटेक्ट करते। ऐसे लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देश हमारा है और यहाँ इस देश की संपत्ति है वो हमारी है और वह संपूर्ण जनता की है। तो जनता की संपत्ति को हम नहीं कह रहे हैं कि उसको नष्ट किया जाए। उस संपत्ति को बचाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य, सरकार का ही नहीं है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।